बच्चों हम लोग जो है अमोनिया डेरिवेटिव्स, पांचों के पांचों अमोनिया के डेरिवेटिव्स और अमोनिया के साथ जो अभिक्रिया होती है वो मैंने बता दिया था। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसीटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, राइट, एसीटोन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और बेंजल्डिहाइड अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हेडिंग दीजिएगा रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, राइट। इसमें नोट करिएगा सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड्स, सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड्स, सिंपल कार्बोनिक कार्बोनिल, सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद PCl5, रिएक्ट्स विद PCl5 टू फॉर्म वन वन डाइक्लोराइड, टू फॉर्म वन वन डाइक्लोराइड्स, टू फॉर्म वन वन डाइक्लोराइड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जेम डाइक्लोराइड, ब्रैकेट में आप लिखेंगे जेम डाइक्लोराइड, राइट। रिएक्शन नोट कर लेंगे, रिएक्शन होगी सी डबल बॉन्ड ओ प्लस PCl5 के साथ आपने रिएक्शन परफॉर्म करी, तो जब PCl5 के साथ आप रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो सी सी एंड हियर इट इज Cl एंड इट इज Cl, ये आपका जेम डाइक्लोराइड बना है। आपको पता होगा कि एक होता है विसिनल डाइहेलाइड और ये जेमाइनल डाइहेलाइड, ये आपका जेम डाइहेलाइड बना है, जेम डाइक्लोराइड बना आपने, प्लस POCl3, प्लस POCl3, राइट। रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, राइट। ये आपका जेम डाइहेलाइड बनाया, ये आपने जेम डाइहेलाइड का फॉर्मेशन करवाया, राइट। इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों, कैसे रिएक्शन होती है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ दिस दिस प्लस PCl4 पॉजिटिव, फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। PCl4 पॉजिटिव, सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें जो फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वह ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है, राइट। ये अटैक हुआ, इट रिजल्ट्स इन टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन दिस दिस डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज PCl4, राइट, एंड ऑक्सीजन इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, राइट। इट मीन्स कार्बन एंड हियर इट इज ओ, O के साथ में P, P के साथ में Cl, Cl, Cl एंड हियर इट इज Cl, राइट। और यहां पर एक Cl लग चुका है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, राइट, और यहां से एक Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के ऊपर, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट, एंड इट इज ओ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहां पर ये Cl लगा हुआ है, ये वाला जो Cl है, एक मिनट में इसको, यहां पर ये Cl लगा हुआ है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज और ये Cl लगा हुआ है, माइनस में क्या हो गया, माइनस में PO Cl3, राइट, और माइनस में Cl नेगेटिव, राइट। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट। क्लोरीन का जो रेजोनेंस है वो उसको स्टेबलाइज कर सकता है, राइट। ये कार्बन दिस दिस एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड Cl 1 2 3 4 एंड इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगली स्टेप के अंदर जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव फिर अटैक करेगा तो यहां पर ये बन जाएगा सी दिस और ये जेम डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा।
राइट, ये पूरा मैकेनिज्म बच्चों आप लोगों के सामने है। राइट, अब यहां पर सवाल ये उठता है, जो सवाल है वो यहां पर ये उठता है कि सर ये PCl4 पॉजिटिव कहां से आया, और ये जो क्लोराइड आयन आप लगा रहे हो, ये जो क्लोराइड आयन आपने लगाया, ये क्लोराइड आयन कहां से आया? ये तो समझ में आता है कि ये जो Cl नेगेटिव यहां से निकला था, ये Cl नेगेटिव ने कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया होगा, तो ये बात तो समझ में आती है हमारे को, बराबर है। बट फिर सवाल ये उठता है कि ये Cl नेगेटिव कहां से आया, ये जो Cl नेगेटिव है वो कहां से आया? एक्चुअली सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सॉलिड PCl5 होता है, जो सॉलिड PCl5 होता है, वह सॉलिड PCl5 PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें, सॉलिड PCl5 को लेकर बात करें, तो सॉलिड जो PCl5 होता है वो PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, ये सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आराम से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। राइट, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है फॉस्फोरस के हैलाइड्स, तो अगर आप वहां पर चेक करेंगे तो जो सॉलिड PCl5 होता है वो सॉलिड PCl5 PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो सबसे पहला अटैक है वो PCl4 पॉजिटिव का हुआ, और जो ये हैलाइड आयन दिया गया है, सारे बच्चे ध्यान में रखना कि ये जो हैलाइड आयन दिया गया है, दिस हैलाइड आयन इट कम्स फ्रॉम द PCl6 नेगेटिव। जो ये Cl नेगेटिव है, यह Cl नेगेटिव इट हैज कम फ्रॉम PCl6 नेगेटिव, वह PCl6 नेगेटिव से आया है। राइट, ये बच्चों मैकेनिज्म है। राइट, ये जेम डाइहैलाइड आपका बन चुका है, रिएक्शन काफी सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब अगला मैं ले रहा हूं रिएक्शन विद, हेडिंग दीजिएगा रिएक्शन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। राइट, इसमें नोट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। विद मिथाइल और द मिथिलीन ग्रुप, विद मिथाइल और द मिथिलीन ग्रुप, एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय SeO2 इन एसिटिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, टू फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर, टू फॉर्म डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, टू फॉर्म डाइकार्बोनिल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड, फॉर एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड फॉर्म्स ग्लायोक्सल, एसिटल्डिहाइड फॉर्म्स ग्लायोक्सल, वाइल एसिटोन फॉर्म्स, एसिटोन फॉर्म्स मिथाइल ग्लायोक्सल, वाइल एसिटोन फॉर्म्स मिथाइल ग्लायोक्सल। राइट, रिएक्शंस नोट करिएगा, पहले एसिटल्डिहाइड CH3, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, आपने सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H प्लस सेलेनियम Se प्लस H2O, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। राइट, चेक कर लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए।
राइट, रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ये है आपका ग्लायोक्सल, ये है आपका ग्लायोक्सल, राइट। उसी तरीके से अगर यहां पर आपने, मतलब गौर से चेक करिएगा, एक मिनट पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ये भी अपने आप में एक सिलेक्टिवली वर्क परफॉर्म करता है, ये भी एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एसिटल्डिहाइड, मैंने यहां पर CH3 लिखा था, तो आप ऐसा समझो CH2 और यहां पर ये H, ये मिथाइल जो है, उस मिथाइल को अगर आप ओपन अप करोगे, तो मिथाइल को ओपन अप करोगे तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो उसको। तो ये जो CH2 ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो मिथिलीन ग्रुप होता है, उस मिथिलीन ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, राइट। वो कैसे बनाता है वो एक अलग इशू है, बराबर है। अभी अपन इस पर बात कर रहे हैं कि ये CH2 ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड हो। उसी तरीके से अगर यहां पर एसीटोन होता हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH2 एंड इट इज H, ये है आपका एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन आपने SiO2 के साथ परफॉर्म करी, राइट, अगेन यहां पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, मिथाइल ग्लाइक्सल बन जाएगा प्लस सेलेनियम प्लस H2O, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H प्लस Se प्लस H2O। राइट, अब हम इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं कि आखिर इसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है वो सेलेनियस एसिड के थ्रू रिएक्ट करता है, जैसे कि हमारा एसिटल्डिहाइड है, ये मैं आपके सामने एसिटल्डिहाइड ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज H, ये एसिटल्डिहाइड है, राइट। अब ये टॉटोमराइज करेगा, राइट, जब टॉटोमराइज करेगा तो ये इस तरीके से आप शो करेंगे उसको टॉटोमराइजेशन, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया और ये वाला जो H है वो इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा, इट मींस यहां पर हो जाएगा C एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H डबल बॉन्ड CH, राइट, और यहां पर आपका H है। ये आपका कीटो फॉर्म था, ये आपका कीटो फॉर्म है, राइट, और ये आपने इनोल फॉर्म बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो सेलेनियस एसिड है, अब आप बोलेंगे सर आपने तो सेलेनियम डाइऑक्साइड लिया है, ये सेलेनियस एसिड कहां से आ गया, राइट, H2O की प्रेजेंस में जो SiO2 होता है वो सेलेनियस एसिड बनाता है, राइट। तो यहां पर अब मैंने सेलेनियस एसिड लिया H2SeO3 Se डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज H एंड हियर इट इज O एंड इट इज H, राइट, ये है आपका सेलेनियस एसिड SeLe सेलेनियस एसिड H2SeO3, चेक करिएगा H2SeO3, राइट। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये वाला जो H है वो यहां पर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वो यहां पर आएगा। अब आप बोलेंगे सर यहां पर किसके साथ जुड़ रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, राइट। अच्छा, जब ये H यहां पर आएगा तो ऑक्सीजन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, वो ये वाला बॉन्ड ले लेगा, राइट। जब ये H ऑक्सीजन पर आएगा, राइट, तो ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर जाने लगेगा, तो जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर जाने लगेगा तो सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
जब सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप गौर से देखो तो यहां पर जब ये एच यहां पर लगा और ये बॉन्ड यहां पर गया तो ये माइनस ऑफ एच टू हो गया, माइनस ऑफ एच टू ओ, राइट। और यहां पर ये हो गया, इट इज अ कार्बन, इट इज हियर इट इज एच, यहां पर ये डबल बॉन्ड ओ, फिर ये कार्बन, कार्बन के साथ में एच, फिर यहां पर ये एच और फिर यहां पर ओ, ओ के साथ में सेलेनियम और सेलेनियम के साथ में ओ और फिर ये एच, राइट। चेक कर लीजिएगा, राइट, माइनस ऑफ एच टू मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये जो H पॉजिटिव फॉर्म में है, ये H पॉजिटिव फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ लगेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस एरो को फॉलो करते चलिए आप, एरो को फॉलो करते चलिए, राइट। इट मींस ये बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ एच टू ओ, माइनस ऑफ एच टू ओ, कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज एच, फिर ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पर एच ऑलरेडी लगा हुआ है, ये एच और यहां पर ये डबल बॉन्ड ओ, राइट, ये एच टू ओ निकल गया प्लस सेलेनियम, माइनस ऑफ एच टू ओ और माइनस ऑफ सेलेनियम, राइट। चेक करिए, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, राइट, और ये वाला बॉन्ड यहां से निकल गया और ये जो एच है वो पॉजिटिव फॉर्म में यहां पर लग गया, माइनस ऑफ एच टू ओ, माइनस ऑफ सेलेनियम, राइट। ये आपका डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है, राइट। एक और केस बता रहा हूं आपको, एक और केस अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे एसीटोन की बात करें, अगर हम एसीटोन को बात कर, के लेकर बात करें, तो एसीटोन होगा CH3 एंड हियर इट इज अ C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज अ C H2, राइट, और यहां पर ये H। अगेन इसका आप क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और ये H यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब आप टॉटोमराइजेशन परफॉर्म करेंगे, राइट, टोटोमराइजेशन, राइट। तो यहां पर ये बन जाएगा हमारा सी एच थ्री सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एंड हियर इट इज एच और यहां पर ये एच। अब ये है आपका इनोल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेलेनियस एसिड लगेगा, एसई डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज ओ एच एंड इट इज ओ एच, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, यहां पर एच यहां पर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और किसके साथ लगा, ऑक्सीजन के साथ। और ये जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आया तो ये यहां पर चला जाएगा, ये वाला यहां पर चला जाएगा, राइट। इट मींस ये हो गया हमारा सी एच थ्री सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज एच, हियर इट इज एच, कार्बन ओ, ओ के साथ में सेलेनियम एंड हियर इट इज ओ एंड हियर इट इज एच, राइट। उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, ये बॉन्ड यहां पर आया और ये H जो है वो यहां पर लग जाएगा। इट मींस यहां पर हो जाएगा सी एच थ्री एंड हियर इट इज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज योर H। H ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस में आपने एच टू ओ कर दिया, राइट, और माइनस में सेलेनियम, ये आपका मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन चुका है, ठीक। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा कीटोन है,
अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा कीटोन है, ये देखिएगा CH3 CH2 C double bond O and here it is CH3, राइट, इट इज ए टू ब्यूटेनॉन, 1 2 2 ब्यूटेनॉन, राइट। अब सवाल ये उठता है, सर ये टू ब्यूटेनॉन का हम जो इनोलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, तो जब ये टू ब्यूटेनॉन है, ये टू ब्यूटेनॉन अपने आप में कीटो फॉर्म है, तो जिस समय ये कीटो फॉर्म का हम इनोलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, तो सवाल ये उठता है कि मैं कहां से मूवमेंट करवाऊंगा, मतलब मैं एच यहां से करवाऊं कि यहां से करवाऊं। तो ध्यान रखना कि यहां पर आपको दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मतलब जब आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, जब आप सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाओगे, जिस समय आप SeO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड की उपस्थिति में CH3COH की प्रेजेंस में, तो यहां पर आपको यह भी मिल सकता है CH3 C double bond O and here it is CH3, और साथ ही साथ में आपको यह भी मिल सकता है CH3 CH2 and it is C double bond O and it is H। क्यों? क्योंकि अगर हम इनोलाइजेशन की बात करें, तो अगर हम इनोलाइजेशन की, मतलब जो पहला प्रोडक्ट मिल रहा है, वो पहला प्रोडक्ट में मैंने ये CH2 को कन्वर्ट किया, राइट, ये पहले प्रोडक्ट, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट में यहां से CH2 को मैंने C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट किया, और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है मेरा, ये पहला प्रोडक्ट है, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट, राइट। तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट है मेरा, उस सेकंड प्रोडक्ट के अंदर मैंने ये जो CH2 है वो CH2 को कन्वर्ट कर दिया, राइट, तो सेकंड प्रोडक्ट ये मिलेगा, राइट, आ गई होगी बात समझ में आपको, राइट। दोनों बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो इनोलाइजेशन दोनों तरफ से हो सकता है, यहां से भी एच का मूवमेंट करवा सकते हैं और वो दूसरी साइड से भी आप करवा सकते हैं, राइट, क्योंकि अब मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है, राइट, उसको ध्यान में रखिएगा, राइट। ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, दिस इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म, ऐसा माना जाता है कि सेलेनियस एसिड वहां पर वर्कआउट करता है, राइट। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3, राइट। इसमें नोट करेंगे आप, कीटोन्स कंडेंसेस विद क्लोरोफॉर्म, कीटोन्स कंडेंसेस विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्लोरेटॉन, टू फॉर्म क्लोरेटॉन which is used as a hypnotic drug, राइट। रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने एसीटोन लिया CH3 C double bond O CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन आपने परफॉर्म करी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा CH3 whole twice CO H and it is CCl3, राइट, जिसको आप कहते हैं क्लोरेटॉन, राइट। मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, राइट, वो OH- पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लगा रखा है, इसका मतलब आपने OH- लगाया हुआ है, तो ये जो OH- है वो सबसे पहले यहां से H+ निकालता है, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, ये माइनस में H2O हो गया और ये CCl3- विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन ये बना, राइट। अब ये जो CCl3- है ये एसीटोन CH3
सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज सी एच थ्री राइट प्लस सी सी एल थ्री नेगेटिव राइट। अब ये जो कार्बन है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा राइट, इट मीन्स यहां पर हो जाएगा सी सी ये सी सी एल थ्री यहां पर सी एच थ्री एंड हियर इट इज ओ नेगेटिव राइट। और अब यहां पर एच एंड इट इज ओ एच राइट, ये बन जाएगा क्लोरेटॉन माइनस में ओ एच नेगेटिव माइनस ऑफ ओ एच नेगेटिव एंड इट इज सी एच थ्री सी एंड इट इज ओ एच एंड हियर इट इज सी एच थ्री एंड हियर इट इज सी सी एल थ्री राइट। ये आपका क्लोरेटॉन बन चुका है राइट, जो अपने आप में एक ड्रग हिप्नोटिक ड्रग के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। राइट तो ये आपने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी एसीटोन की राइट। अगला लिखिएगा नेक्स्ट इज द विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन राइट, ये हम ऑलरेडी अल्कीन्स में डिस्कस कर चुके हैं, प्रिपरेशन में डिस्कस कर चुके हैं राइट, बट फिर भी थोड़ा सा हम रिफ्रेश करेंगे। विटिग रिएक्शन आपने हेडिंग दी होगी राइट, इसमें दो तीन लाइन लिखेंगे आप। इट इज द रिएक्शन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग, इट इज द रिएक्शन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द कार्बोनिल कंपाउंड, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कीन्स, टू अल्कीन्स द मेन ड्राइविंग फोर्स, द मेन ड्राइविंग फोर्स, द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, इज द फॉर्मेशन ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड विच इज हैविंग द बॉन्ड एंथैल्पी, विच इज हैविंग द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अप्रोक्सीमेटली, विच इज हैविंग द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 544 किलोजूल पर मोल किलोजूल पर मोल राइट है।